Hello students, today we are going to learn lesson number 5, The Birth of the United Nations, part 1. In this lesson, we will learn about the League of Nations, its objectives, the formation of the United Nations, and the rights given by the UN. Okay, so what we will learn in this lesson, the League of Nations, its objectives, the formation of the United Nations, the rights given by the UN. Okay, understood. So first we will learn about formation of the League. The Industrial Revolution started in England and soon spread to other nations like Germany, France, and Portugal. These industrialized countries needed two things, namely the raw materials for manufacturing and the new markets to sell the goods manufactured by them. They got both their purposes solved in the non-industrialized Asian and African countries. Soon they started colonizing these countries to make themselves wealthy. ओके तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले स्टार्टेड हुई थी इंग्लैंड में और जल्द ही वो स्प्रेड हो गई अदर नेशंस में जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, पुर्तगाल में. और ये इंडस्ट्रियलाइज जब हुआ कंट्रीज़ में तो उनको दो थिंग्स की बहुत ज़रूरत पड़ी. पहला रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा जो है न्यू मार्केट्स टू सेल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम. ओके तो जब इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई ये कंट्री कौन सी इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, तो उनको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ी. कौन सी? रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए. और जब वो मटेरियल्स तैयार हो गए ओके तो उन्हें बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत पड़ी. ओके गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम. ओके दे गॉट बोथ देयर पर्पोजेज सॉल्व इन द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. वो ये जो जब उनको ये दोनों मिल गए मटेरियल्स और मार्केट, तो उनका पर्पोजिस था कि जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज है क्यों ना वहाँ पर उन्हें बेच दी जो माल जो उन्होंने बनाए, जो थिंग्स उन्होंने बनाए उसे. सून दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग दीज कंट्रीज टू मेक देमसेल्व्स वेल्दी. ओके एज अ रिजल्ट दे बिकेम जेलियस ऑफ each other and wanted to their own empires to flourish. They started fighting among themselves, which finally led to a great war, and this war called the World War I. It broke out in 1914 and lasted till 1918. Okay, many cities were devastated. Millions of innocent people and soldiers lost their lives. As a result, there arose scarcity of food and everything. Horrified by the devastation caused by war, countries were inspired to come together and work towards peace. अंडरस्टूड. तो जैसे हमने पढ़े कि जो कंट्रीज़ जो है उसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज कौन सी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन सी कंट्री में स्टार्ट किया गया था? इंग्लैंड में. उसके बाद जब इंडस्ट्री ये रिवॉल्यूशन जो है धीरे धीरे जर्मनी में, फ्रांस में और पुर्तगाल में फैल गया और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जो है उनको दो थिंग्स की ज़रूरत पड़ी, मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी रॉ मटेरियल्स की जिसे वो मैन्युफैक्चर कर सकते थे, देन न्यू मार्केट्स की ज़रूरत पड़ी. और ये जब दोनों उनको मिल गए तो उनका पर्पोजेस जो है वो सॉल्व हो गया कि जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज थी एशिया कॉन्टिनेंट की और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पर वो बेचने लगे और उन्होंने फिर कॉलोनाइजिंग चालू कर दिया. ओके तो फिर जब सभी कंट्री ने नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एशियन और अफ्रीकन कंट्री में जब अपने मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स जो है बेचने लगे, तब उनके आपस में क्या हुआ? उनके आपस में वो लड़ने लगे, एक दूसरे से जेलस होने लगे. और जिससे वो जेलसी ऐसी थी कि वो चाहते थे कि उनका एम्पायर वहाँ पर क्या हो जाए, फ्लोरिश हो जाए जहाँ पर वो अपने मैन्युफैक्चर थिंग्स को बेचते थे. और इस वजह से दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. और इस वजह से जो है कंट्रीज जो है वो आपस में फाइटिंग करने लगी एंड फाइनली
जो है उनकी जो फाइट है एक ग्रेट वॉर में परावर्तित हो गई एंड दिस वॉर कॉल्ड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वो जो युद्ध जो हुआ था विश्व युद्ध जिसे बोला गया, तो ये पहला विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ 1914, और ये कब तक चला 1918 तक, यानी 4 साल तक ये विश्व युद्ध जो है चला। बहुत सारे सिटीज़ जो है उसमें डिस्ट्रक्ट हो गई, मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल जो मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल जो थे कंट्रीज़ की, उनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी, सोल्जर्स को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, एज अ रिजल्ट देयर अरोज स्कैरसिटी ऑफ फूड, और इस वजह से उसका रिजल्ट क्या आया कि लोगों को खाने की दिक्कतें आने लगी, कमी होने लगी हर चीज़ की। तो हॉरिफाइड बाय द डिवस्टेशन कॉज्ड बाय वार, और ये जो डिवस्टेशन जो हुआ ये किस वजह से हुआ, वार की वजह से हुआ। कंट्रीज जो है वो इंस्पायर्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क टूवर्ड्स पीस, कंट्रीज जो है वो इंस्पायर्ड हुई कि और वर्क जो है पीस की ओर वो वर्क करने लगी। ओके, अंडरस्टूड। सो दे फॉर्म्ड द लीग ऑफ नेशंस, ओके दे फॉर्म द लीग ऑफ नेशंस टू अचीव दैट गोल। द लीग हैड ए टोटल ऑफ 63 इंक्लूडिंग सम of the world greatest powers like France, the United Kingdom, Italy, Germany, Japan and the USSR. Okay. But the league was not successful because it had two major flaws. One of the world's most powerful countries, the USA, was not its member. The members did not oppose aggression by Japan, Italy and Germany in 1930s. As a result, this aggression led to World War II, which lasted from 1939 to 1945. Okay, तो जैसे हमने पढ़े कि other countries में जो है वो rivalry started होने लगी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर्ड थिंग को बेचने से लेके, और वो आपस में फाइट करने लगे, और जब ये जो फाइट है वो किस में परावर्तित हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार में परावर्तित हो गई, परिवर्तित हो गई। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कब से कब तक चला, 1914 से लेके 1918 तक। ओके, बहुत सारी सिटीज जो है उसमें डिस्ट्रक्ट हो गई, मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल सोल्जर्स जो है उनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी, और स्कैरसिटी अराइज होने लगी उन कंट्रीज़ में फूड और हर चीज़ की। तो ये जो हॉरिफाइड डिवस्टेशन जो था वो किस वजह से हुआ, वार की वजह से हुआ। कंट्रीज़ जो है वो फिर इंस्पायर्ड हुई और वो साथ में आई, और किस वजह से साथ में आई, किसके लिए, वर्क टुवर्ड्स पीस के लिए। सो दे फॉर्म्ड, तो फिर सभी कंट्रीज जैसे साथ में आई, तो उसमें जो है द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई टू अचीव द गोल। द लीग हैड अ टोटल 63 मेंबर नेशंस, और जब ये द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई तो उस समय दुनिया की जो है 63 मेंबर नेशन, दुनिया के 63 कंट्रीज वहाँ के मेंबर थी, और इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर्स लाइक फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, जापान एंड USSR। ओके, तो ये 63 जो कंट्रीज जो लीग ऑफ नेशंस की मेंबर बनी थी उसमें जैसे ग्रेटेस्ट पावर वाली कंट्री फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम थी, इटली थी, जर्मनी थी, ये जापान, और जापान जो थी वो इन जो है द लीग ऑफ नेशंस की मेंबर बनी थी। ओके, अंडरस्टूड। बट द लीग वॉज नॉट सक्सेसफुल, पर ये जो द लीग ऑफ नेशंस जो बना था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दो मेजर फ्लॉस थे। वो पहला जो था कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो थी वो इनमें की मेंबर नहीं बनी थी। ओके, वन ऑफ द
world's most powerful countries, the USA was not its member. Okay, and the members did not oppose aggression by the Japan, Italy and Germany in 1930s. तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि एग्रेशन जो है वो सेकेंड विश्व युद्ध में लेट हो गया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेके 1945 तक चला. ओके, अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस लेसन इन नेक्स्ट पीरियड. ओके, बाय.